Hello students and welcome you again to another session of colorful idioms. आपको लग रहा होगा ये colorful idioms है क्या? अब colorful idioms में ऐसा नहीं है कि सारे colors के idioms बने हुए हैं, जो very frequently exams में आता है. आप इसके पहले भी एक colorful idioms का आपको video मिलेगा, जो कि मैंने red color वाला डाला है. ठीक है, रेड कलर से जितने भी idioms बनते हैं. और आज का हमारा सेशन है ब्लू कलर का idioms पे बेस्ड, जो भी idioms बने हुए हैं ब्लू कलर पे. ठीक है, वेरी फ्रीक्वेंटली जो एग्जाम्स में आते हैं, ऐसा नहीं है कि आराम से ब्लू रेड ऑरेंज सब का बनता है. कुछ कुछ का जो वेरी फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में आते हैं, हम उसका डिस्कस करते हैं. अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, ये तो बहुत एक कॉमन इडियम है. अ बोल्ट फ्रॉम द यू मतलब अचानक से झटका लगना, कोई अप्रिय घटना होना जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित में चले गए हो. तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अ सडन अनएक्सपेक्टेड. अब अनएक्सपेक्टेड में कोई अच्छा भी हो सकता है, बट अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हमेशा नेगेटिव सेंस में. ठीक है, किसी को झटका लगना, अनएक्सपेक्टेड मतलब कोई अप्रिय घटना से कोई बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया, आश्चर्यचकित है. अ सडन, सडन है, सोचा नहीं था आपने, अनएक्सपेक्टेड है और अनप्लेजेंट है, अप्रिय इंसिडेंट. ठीक है, एक इंसिडेंट का होना, अप्रिय घटना का होना, जिसका आप सेंटेंस बना सकते हो. जैसे द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ, सन के डेथ न्यूज से वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गए. द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ, उसके सन्स के डेथ का न्यूज उसके लिए एक बोल्ट फ्रॉम द ब्लू था. द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ठीक है, उसके सन का डेथ एक सडन अनएक्सपेक्टेड और अनप्लेजेंट इवेंट. द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ वॉज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. वंस इन अ ब्लू मून, जैसे आप बोलते हो ना, अरे हिंदी में बोलते हो ना, तुम ईद के चांद हो गए हो. ईद के चांद हो गए हो मतलब कोई भी चीज़ जो वेरी ऑफन नहीं होता, अक्सर नहीं होता है, वेरी ओकेजनली, ओके, जो बहुत रेयरली होता है. तो वंस इन अ ब्लू मून का मतलब है समथिंग हैपनिंग. कोई भी चीज़ अक्सर नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है. जैसे ईद का चांद हर दिन आपको दिखता नहीं है. दोस्तों को बोलते हो ना, बहुत दिनों बाद अगर मिलते हो कि मैम ने कि अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो. ठीक है, बट मेरे वीडियोस ईद के चांद नहीं है, मेरे वीडियोस आपको लगातार वीक में 5-6 वीडियोस मिल रहे हैं आपको. समथिंग हैपनिंग रेयरली या ओकेजनली. कोई भी चीज़ ओकेजनली हो रहा है, ओके, कभी कभार हो रहा है. ठीक है, जैसे एक सेंटेंस, और ओकेजन का स्पेलिंग याद रखना. कई बार बच्चे ना ओकेजन में डबल सी, ये हमारे स्पेलिंग एरर्स में आता है, डबल सी और डबल एस डाल देते हैं. ठीक है, गलत है, सी तो डबल होगा बट एस इज सिंगल. ठीक है, ओकेजन अवसर, जो कि मैंने भी अभी लिखते वक्त ध्यान नहीं दिया था. ओकेजनली, कोई भी चीज़ ओकेजनली हो रहा है, कभी कभार हो रहा है, लगातार नहीं हो रहा है. समथिंग हैपनिंग रेयरली और ओकेजनली, जैसे ही विजिट्स हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को विजिट करता है वंस इन अ ब्लू मून. पेरेंट्स को रोज विजिट नहीं करता है, कभी कभी विजिट कर लेता है, बट गलत बात है, पेरेंट्स को विजिट करते रहना चाहिए. ही विजिट्स हिज पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून. ओके, ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड. अब ये नहीं सोचना है कि जिसका ब्लड ब्लू हो गया है वो ब्लू ब्लड है, क्योंकि ये idioms है, इसका लिटरल मीनिंग नहीं है, इसका इम्प्लिकेटेड हिडन मीनिंग है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं है. ब्लू ब्लड वो लोग होते हैं ना जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, रॉयल फैमिली से, राजा महाराजा वाले फैमिली. तो ब्लू ब्लड का मतलब है बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली. ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून. ठीक है, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लिया है, मतलब शाही खानदान से ताल्लुकात रखता है. तो बिलोंगिंग टू अ रॉयल फैमिली, जो शाही खानदान से बिलोंग करते हैं. और याद रखना है, बिलोंग्स के साथ बच्चे फ्रॉम लगा देते हैं, ही बिलोंग्स फ्रॉम अ रॉयल फैमिली, ये गलत है, ही बिलोंग्स टू अ रॉयल फैमिली. और इसका एक फ्रेजल वर्ब भी है, जैसे ही कम्स ऑफ अ रिच फैमिली. ये थोड़ा आप लोग को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हो एग्जाम्स में. और ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, दोनों का मतलब तो सेम है, बट एक फ्रेजल वर्ब है. फ्रेजल वर्ब मैंने काफ़ी वीडियोस डाले, फ्रेजल वर्ब बनता है हमारा, यहाँ एक वर्ब है और एक प्रेप, सॉरी
यहाँ एक वर्ब है और एक प्रेपोजिशन, उससे बना है फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशंस। कम्स ऑफ का मतलब भी होता है बिलोंग करना, और बिलोंग का मतलब भी है बिलोंग करना, बट बिलोंग के साथ टू आता है। और शी कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं होगा, ही कम्स फ्रॉम अ रिच फैमिली नहीं होगा, कम्स ऑफ। और सिंगल वाला ऑफ, कम्स ऑफ का मतलब भी होता है बिलोंग करना। ओके, जैसे ब्लू ब्लड जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखते हैं, अ ब्लू ब्लड, थोड़ा सा रब कर रही हूं, ठीक है, जगह बना रही हूं, यहां पे इसका सेंटेंस लिख रही हूं, सेंटेंस लिख रही हूं इसलिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। अ ब्लू ब्लड वुड नॉट अंडरस्टैंड, वुड नॉट अंडरस्टैंड द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, ठीक है। जो ब्लू ब्लड वाले लोग होते हैं, शाही खानदान वाले लोग होते हैं, वो गरीबों के दुख दर्द को क्या समझेंगे, ओके। और एक चीज और याद रखना, सफरिंग वर्ड आ गया, ये जो सफरिंग है ना, क्योंकि बच्चे क्लास में भी मैं देखती हूँ वो प्रेपोजिशंस रट लेते हैं, ठीक है, लेकिन चीजों को थोड़ा ध्यान रखना है। सफरिंग एक वर्ब है, शी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया और कैंसर, कुछ भी है, सफरिंग एक वर्ब है तो उसके साथ फ्रॉम लगाओ। बट एक वर्ड आता है सफरिंग्स, ठीक है, सफरिंग्स का मतलब है दुख दर्द, वो नाउन है, उसके साथ ऑफ लगाओ, द सफरिंग्स ऑफ द पुअर, ओके। बट अगर वर्ब के सेंस में है तो फ्रॉम लगे। चलो आ जाओ, फील ब्लू, फील ब्लू फील करना मतलब बहुत सैड, बहुत दुखी, डिप्रेस्ड। जब आपके एग्जाम्स अच्छे से आप नहीं क्रैक कर पाओगे तो आई विल फील ब्लू, बट आई नो कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे ब्लू फील नहीं करने देंगे, ओके, दे विल लिव अप टू माई एक्सपेक्टेशंस। लिव अप टू का भी मैंने फ्रेजल वर्ब दिया है, लिव अप टू का मतलब है आशाओं पे खरा उतरना, ओके। तो वेन एवर लिख दिया मैंने, एक सेंटेंस बना दिया, वेन एवर आई फील ब्लू, जब भी मैं दुखी होती हूँ, आई लिसन टू म्यूजिक, ठीक है। और आप स्टूडेंट जब भी दुखी हो ना, इंग्लिश पढ़ने लगना है। बीट ब्लैक एंड ब्लू, किसी को बीट करना ब्लैक और ब्लू, ब्लू कलर इसमें भी आया है, इसका मतलब है किसी को हर्ट करना फिजिकली या मेंटली, हर्ट फिजिकली, शारीरिक और मेंटल तौर पे किसी को प्रताड़ित करना, हर्ट फिजिकली और मेंटली, ओके। जैसे एक सेंटेंस यहां लिख दे रही हूं, ही बीट्स His parents, ये तो गलत बात है, लिख दिया मैंने सेंटेंस में बना दिया, ही बीट्स हिज पेरेंट्स ब्लैक एंड ब्लू, ओके, पेरेंट्स को मेंटली या फिजिकली प्रताड़ित करता है। ब्लू आइड, ये ब्लू आइड कौन लोग होते हैं, जिसे स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फेवर मिलता है। आप ऑफिस में भी देखोगे ना, कुछ लोग ऐसा होते हैं जिससे बॉस से स्पेशल फेवर मिलता है, जो लोगों का फेवरेट है, ठीक है। तो ब्लू आइड पर्सन कौन होते हैं, फेवरेट, फेवरेट पर्सन, फेवरेट या वन हु गेट्स स्पेशल अटेंशन, जिसको स्पेशल अटेंशन मिल रहा है। और ये अटेंशन उसे कहाँ से मिल रहा है, उस लोगों से जो लोग अथॉरिटी में है, जो लोग पावर में है, ओके, जो लोग पावर में है, जैसे आपके बॉस आपके अथॉरिटी है ऑफिस से, और किसी व्यक्ति को बॉस से स्पेशल अटेंशन मिल रहा है, मतलब वो बॉस के फेवरेट है, तो ही इज अ ब्लू आइड ऑफिसर, ना ब्लू आइड एम्प्लॉई, बॉस के ब्लू आइड एम्प्लॉई मतलब बॉस के फेवरेट एम्प्लॉई, बॉस से उसे स्पेशल अटेंशन, स्पेशल फेवर मिल रहा है, फेवर स्पेशल सपोर्ट मिल रहा है। और ब्लू कॉलर, एक होता है ना वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, वाइट कॉलर मतलब एकदम अपर लेवल वाला जॉब होता है, और ब्लू कॉलर का जॉब होता है मतलब वेरी वर्किंग क्लास, ओके, लो क्लास, लोअर वर्किंग क्लास से रिलेटेड है। लोअर वर्किंग क्लास मजदूरों से जो रिलेटेड है, लोअर वर्किंग कॉलर नहीं, लोअर वर्किंग क्लास, ठीक है। और आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू का मतलब कोई अचानक से किसी इंसिडेंट का होना बिना चेतावनी के, जैसे अभी हमारा तूफान आया हुआ है ना उड़ीसा में, ठीक है, तो आउट ऑफ द ब्लू यूज कर सकते हैं। एंड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, बिना चेतावनी के आ जाना, an unexpected event without any warning,
बिना किसी चेतावनी और बिना किसी वार्निंग के अचानक से किसी खतरे का आ जाना। तो आज तो हमने ब्लू का किया, चलो एक बार रिकैप कर देती हूँ। बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, किसी अप्रिय घटना का अचानक से होना। फिर वंस इन अ ब्लू मून ईद का चांद होना, कभी कोई काम का कभी कभी होना, बहुत ओकेजनली होना, ठीक है, अक्सर नहीं होना। ब्लू ब्लड, ब्लू ब्लड का मतलब है जो शाही खानदान से ताल्लुकात रखते हैं। फील ब्लू का मतलब है बहुत दुखी महसूस करना। बीच ब्लैक एंड ब्लू, किसी को फिजिकली या मेंटली प्रताड़ित करना। ब्लू आइड, फेवरेट, किसी पर्सन का फेवरेट होना अपने बॉस वगैरह का। ब्लू कॉलर जॉब मतलब लोअर क्लास वाला जॉब जो है, लोअर वर्किंग क्लास से रिलेटेड है। आउट ऑफ द ब्लू मतलब किसी घटना का होना बिना चेतावनी का, ठीक है। आज तो हमने ब्लू वाला idioms किया, और भी मैं आपको सेलेक्ट कर करके एग्जामिनेशन में जो जो इंपॉर्टेंट है idioms आपको कलरफुल मिलते रहेंगे, और सिर्फ कलरफुल ही नहीं मिलेंगे, अपार्ट फ्रॉम द कलर्स और भी आपको idioms मिलेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, चलो ओके, थैंक यू।